गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक। आज हम बात करेंगे एक्शन कैमरा जो कि है एस जे 6 और एस जे 4000, जो कि मेरा एक्सपीरियंस के रिव्यूज के बारे में ऊपर होगा और हम दोनों इनका इन कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास जो एक्शन कैमराज जो हैं, जो कि मेरे पास अभी दो हैं, एस जे 6 और एस जे 4000, इन दोनों का पर्पज़ ही अलग है। इन दोनों का मतलब वर्किंग फंक्शन अलग ही, बिल्कुल अलग ही लेवल का है। क्योंकि मेरा सबसे पहला जो कैमरा था वो मैंने 2017 में लिया था, एस जे 4000 वाईफाई, जो कि मैंने ऐसा शौक शौक में ले लिया था यूट्यूबिंग के लिए। तो लेने के बाद जो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज लगा कि इसमें एक्सटर्नल माइक की कोई फीचर्स नहीं है। हाँ, हालांकि कैमरा अच्छा है, फुल HD पे मेरे को 30 फ्रेम पर सेकंड में मुझे वीडियो क्वालिटी दे देता है, लेकिन उस हिसाब से मुझे एक दिक्कत थी कि मुझे माइक की क्वालिटी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर आज 3 महीने पहले मैंने उसका ये लिया था, मैंने SJ6 लीजिए, तो मुझे इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिल गया, जैसे माइक क्या मुझे मिल गया, मुझे 4K क्वालिटी मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि SJ4000 कोई काम का नहीं है। SJ4000 का भी अलग पर्पस है और SJ6 का लीजेंड का भी अलग पर्पस है। जैसे आपको सिनेमेटिक शॉट्स चाहिए, जैसे मल्टी एंगल्स के वीडियोस हो गए, वीडियोग्राफी हो गई, आप उनमें सबसे मदद करते हैं। जिन लोगों को अगर स्टार्टिंग में, जो बिगनर्स यूट्यूबर्स हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं करियर, तो उनके स्टार्टिंग में GoPro लेना अफोर्ड करना, क्योंकि उनको नॉलेज होती नहीं है ना, ऑब्वियसली बात है, कोई भी नए बंदे को इतनी नॉलेज नहीं होती। तो मैं सबसे ज़्यादा मैं उनको ये प्रेफर करूँगा कि एस जे कैम पे ही जाएँ। बाकी आपकी प्रायोरिटी या चॉइसेस अलग है कि आप जिस पे जाना चाहें उस पे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं मेरी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, उस हिसाब से जो मैं राय दूंगा वो मैं यही कहूँगा कि आप एस जे कैम में ही जाएँ। क्योंकि क्या ये कम बजट में भी आपको अच्छी क्वालिटी वाले आपको ये एक्शन कैमराज मिल जाते हैं। दूसरी बात जो सबसे मेन यूट्यूबर्स को परेशान करती है, बिगनर्स को, वो होता है बजट रेंज। क्योंकि एक GoPro की कीमत कम से कम 35-40 हज़ार के बीच की रेंज में आती है, वो भी 4K क्वालिटी या 1080 की क्वालिटी में। लेकिन आपको SJ4000 आपको सिर्फ 4-5 हज़ार की रेट में आ जाते हैं, वो भी बिना एक्सटर्नल माइक वाला जो आता है बेसिक वर्जन। और SJ6 लीजेंड जो आता है वो आता है आपके 9,500 प्लस 1500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको माइक में भी, उसमें भी थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करनी पड़ती है, तो आपको अच्छे से काम करा जाता है। तो बात करें इन दोनों कैमरा की क्वालिटी की, तो कैमरा की क्वालिटी दोनों की इनके हिसाब से ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है। इसमें कोई दोराय नहीं है, ना कोई शिकायत है, कोई इस पर कोई लैग नहीं आता, कोई अभी तक मुझे हैंगिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि कैमरा चलते चलते हैंग हो गया, जैसे GoPro में ज़्यादातर देखा गया है, लेकिन मुझे अब तक इसमें कोई हैंग का इशू अभी तक नहीं आया। ये कैमरा दोनों ही वाटरप्रूफ हैं, अगर आप इसके ऊपर केसिंग करते हैं तो ये वाटरप्रूफ बन जाता है आपका ये कैमरा। जब चाहे अपन सर में वाटरप्रूफ केसिंग निकाल दे तो अपना नॉर्मली एक्सटर्नल तरीके से काम करेगा, लेकिन वाटरप्रूफ भी काम कर सकते हैं। कुछ शॉट्स मैं आपके वीडियो में लिंक में वीडियो में डाल दूंगा, तो आप ये देख सकते हैं कि इनका कैमरा की क्वालिटी कैसा। तो दोस्तों, जैसे जो इन कैमराज के जो फीचर्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा जो एस जे 6 में जो फीचर्स हैं वो एस जे 4000 में नहीं है। जैसे कि आपको टच स्क्रीन का फीचर आपको मिल जाता है एस जे 6 में, आपको उसमें 4K रिकॉर्डिंग मिल जाता है, 720p स्लो मोशन मिल जाता है, आपको उसमें आपको टाइम लैप्स का भी फीचर्स मिल जाता है इसमें। ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है, आपको कहीं व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको कहीं टाइम लैप्स का फीचर्स करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और आपको उसमें 720p में आपको 120 फ्रेम पर सेकेंड्स, मतलब आपको उस टाइप की क्वालिटी का वीडियो भी आपको उसमें मिल जाता है ऑप्शन। मैं बात करूँ तो दोनों कैमरा ही मेरे लिए बेस्ट हैं, जो कि 15,000 के अंदर सेटअप के अंदर बहुत अच्छे कैमराज हैं, कोई इशू नहीं है, तो मेरे लिए तो सेटिस्फाइड हूँ मैं, बहुत सफिशिएंट। तो बात करें अगर व्लॉगिंग कैमरा की, तो एस जे 6 बेस्ट है, अगर आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं, एस जे 8 भी जा सकते हैं, एस जे 10 अराउंड आ चुका है। लेकिन हाँ, अगर आपको सिनेमेटिक के लिए जाना है, जैसे आपको मल्टी एंगल्स के लिए चाहिए, जिसमें आपको 1000 HD क्वालिटी चाहिए, तो आप एस जे 4K पे भी जा सकते हैं, जो कि बेस्ट ऑप्शन है। वो तो आपके ऊपर है कि अगर आप और हायर एंड जाते हैं तो वो के लिए, तो आपको फिर क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको हायर एंड चाहिए तो हायर वाली क्वालिटी मिलेगी, लेकिन फिर इसके सॉफ्टवेयर भी अच्छे चाहिए एडिटिंग के लिए। तो बात करें इन दोनों कैमराज की, तो ये इनका फ्रंट लुक है और इनके ये बैक लुक। ये अपना एस जे 6 टच स्क्रीन में आता है और ये अपना नॉर्मल स्क्रीन में आता है, जो कि सिर्फ बटन से कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें आपको दोनों मिल जाते हैं। चलो इन दोनों को स्टार्ट करते हैं। दोनों कुछ इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, ये आपका 4000 स्टार्ट हो गया, ये अभी 2K पे सेटिंग है और ये अभी 1080 पे है। इनका मैं कंपेरिजन टेस्ट अभी कर दूंगा कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं एस जे 6 में, जैसे कि इसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको वीडियो लैब्स मिल जाएगा, स्नो रिकॉर्डिंग स्टिल, फोटो लैब्स एंड बर्स मोड, इसमें आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे आपको अगर आप ये यूज़ करते हैं।
दोस्तों व्लॉगिंग के लिए ये सबसे बेस्ट कैमरा है आपका एस जे सिक्स लीजेंड, और मल्टी एंगल्स के लिए आपको जैसे मल्टी एंगल में आप शूट कर रहे हैं वीडियो तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए। इसमें आपको 1080 30 फ्रेम पर सेकेंड में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इन दोनों में आपको वाईफाई मिल जाता है इन दोनों कैमराज में, जिसे आप अपने फ़ोन में कभी भी कोई डाटा ट्रांसफ़र या अपने फ़ोन से भी इसको वीडियो कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी एस जे 4000 की बैटरी आती है अराउंड 900 mAh और इसकी आती है 1000 mAh, जो कि काफ़ी है, सफिशेंट है। इसमें आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑन पेपर्स तो इसमें 2 से 3 घंटे ही लिखा गया है, लेकिन अप्रॉक्स 1.5 घंटा चल जाता है अगर आप इनको अपनी फुल पावर पे इनको कैमरा को चलाते हैं। एस जे सिक्स लीजेंड में एक फ़ायदा और है कि इसमें आपको फ्रंट स्क्रीन भी मिल जाती है, जिससे आप कहीं व्लॉगिंग कर रहे हो बाइक पर या कहीं आपके माउंट कहीं कैमरा माउंट आपके फ्रंट फेस के पास में, तो आपको क्या इसमें फ्रंट मिरर साइड मिरर्स में आप देख के भी कर देख सकते हैं कि आपका कैमरा ऑन है कि नहीं हुआ। इस मामले में अपना ये एस जे 4000 में ये फीचर नहीं है, बट हाँ मल्टी एंगल्स के लिए बहुत बेस्ट कैमरा है। बात करें इस कैमरा की, तो इस कैमरा में मैंने अपना 64 GB का मेमोरी कार्ड डाल रखा है, जो कि मेरे को सफिशिएंट है, आराम से 8 घंटे की रिकॉर्डिंग करके दे देता है। अगर आप फर्स्ट कैमरा ले रहे हैं अपना बेस्ट, मतलब जिसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा एस जे 6 या फिर एस जे 8 में जाएँ या अबव में ही जाएँ, क्योंकि इसमें आपको एक्सटर्नल माइक का भी पोर्ट मिल जाता है, जहाँ पर आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं यहीं से, तो जिसे आपके व्लॉगिंग कर सकते हैं इजीली। और इसमें आप व्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें एक्सटर्नल माइक का पोर्ट नहीं है। माइक तो इसमें भी है लेकिन इनबिल्ड माइक है, और इसमें भी इनबिल्ट माइक, लेकिन एक्सटर्नल माइक का फीचर इसमें मिल जाता है, जिसमें हमारी वीडियो की क्वालिटी और वीडियो की ऑडियो क्वालिटी बहुत ही एनहेंस्ड हो जाती है आपकी, बहुत अच्छा मिलेगा इसमें आपको। आपको इसके माइक की क्वालिटी का वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ मैंने एस जे 6 लीजेंड की ऑडियो क्वालिटी का वीडियो डाला हुआ है। गाइस आप देख सकते हैं ये एस जे 4000 का है और एस जे 6 लीजेंड का, आप देख सकते हैं इनका कंपेरिजन 1080 पिक्सल्स पे चल रहा है दोनों। और अभी आपको मैं 4K और इसका 1080 4000 का और एस जे 6 का एक बार बताऊँगा रिजल्ट। और आप जो इनकी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इनकी इंटरनल माइक से ही आ रही है। अभी एस जे 6 अभी 4K पे है और एस जे 4000 अभी अपना उस पर अपना 1080 पे। अब आप कंपैरिजन देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल जो आवाज़ आएगी अभी वो अपना एस जे 6 लीजेंड पे चल रहा है। अब मैं आपकी साउंड अब शिफ्ट कर रहा हूँ एस जे 4000 पे। अब आप 4000 अब इसकी आवाज़ सुन रहे हैं, अब इसकी क्वालिटी अब देखो इन दोनों कंपैरिजन, कितना शानदार है, कितना बढ़िया कैमरा है दोनों, अपने एंट्री लेवल स्टार्टिंग बजट में बहुत अच्छे कैमराज हैं। क्या करो गर्मी है यार, शाम के 6 बजे हैं अभी यहाँ छत पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, राजस्थान की गर्मी भैया। तो गाइस अपन अपना यही वीडियो अपना यही एंड करते हैं, बाकी अपन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टाटा, लव यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।